हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 10 में हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन के एन्थैल्पी के बारे में बातचीत कर लिया था। और आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। और हम क्या लेकर के आए हैं, चैप्टर में पढ़ना ही है एक्चुअली। 10 नंबर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज। अब बहुत सिंपल है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम का वह टेंडेंसी जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, उसी टर्म को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए सबसे पहले इसे हम डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में आगे बातचीत करते हैं। लिखेंगे हम लोग द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन towards itself is called electronegativity। तो बच्चों ये जो हम लोग देख रहे हैं, the tendency of an atom to attract electron towards itself is called electronegativity। मतलब बहुत सिंपल है कि किसी भी एटम का वह टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को एटम अपनी ओर क्या करे, खींचे, है ना। किसी भी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कॉमन सी बात है क्या आएगा बच्चों, उसमें नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बहुत विशेष फैक्टर है, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो एटॉमिक साइज, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ एटॉमिक साइज की बात करते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ एटॉमिक साइज, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ एटॉमिक साइज, तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है ना। बार मुझे इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि एटॉमिक साइज क्या है। किसी भी न्यूक्लियस से किसी सेल का डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा बच्चों, एटॉमिक साइज, ठीक है ना। जानते हैं हम रेडियस इतना बड़ा होगा, एटॉमिक साइज इतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग को यह समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे एटॉमिक साइज बढ़ने घटने पर किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर जो है किसी भी एलिमेंट का वो कैसे बढ़ेगा या घटेगा। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, वहाँ दो सेल है, ठीक है ना। और ये प्रोटॉन, इस सब पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस सब पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन लेटर सपोज बाहर में है, ठीक है। और एक बार मैंने एटम को ड्रॉ किया इस तरीके से, मैंने यहाँ तीन सेल की संख्या दे दी है तीन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बाहर में है। बाकी इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर के सेल में प्रेजेंट होंगे वैसे हैं ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हमें सोचना ये है कि अब ये प्रोटॉन तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा होगा, सब पे लगा रहा होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे वैसे वैसे घटेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इन विच केसेस प्रोटॉन
अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दोनों में से ऐसा कौन सा केस, दोनों में से किस केस में इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो क्या देखना बेटे, यहाँ साइज छोटा है, अब ध्यान रखिए यहाँ साइज क्या छोटा है, बिकॉज दो ही सेल है, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा, ठीक है। और इस हम लोग यहाँ के प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन का साइज क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तीन सेल के होने के कारण साइज ऑटोमेटिक बढ़ गया था, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है तो डिस्टेंस बढ़ गया प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ खींच नहीं पाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो फिगर जो मैंने बताया बनाया है, मान लीजिए बी एटम के लिए, और ये फिगर मैंने बनाया है ए एटम के लिए, तो हम कहेंगे विच वन हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, है ना, विच वन हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो हम कॉमन सी बात है, हम कहेंगे ए ग्रेटर देन बी, बिकॉज साइज छोटा था, तो साइज छोटा होने के कारण से जो है प्रोटॉन आसानी से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको खींच लिया अपने, और यहाँ साइज बड़ा था, तो साइज बड़ा होने के कारण डिस्टेंस बड़ा हो गया ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से डिस्टेंस ज्यादा हो गया, जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने पर प्रोटॉन का जो है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण से इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अपनी ओर नहीं खींच पाया, तो इलेक्ट्रॉन खींचना, अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है ही, लेकिन हम पूछेंगे कि दोनों में कंपेयर करने की बात अगर करेंगे हम लोग कि कौन सा ज्यादा, किस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होगी, जिसका साइज क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं बहुत कॉमन सा बात, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। थ्योरी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम increases with decrease in size of atom while electronegativity of atom decreases with increase in size of atom, ठीक है ना। तो इससे भी एक हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म एक और समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म एक्चुअली किस तरह के एलिमेंट के लिए एक्चुअली डिफाइंड है। अच्छा ओवरऑल तुम लोग इस बात को कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मेनली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म किस टर्म की डिफाइंड है हमको ये समझना पड़ेगा, किस एलिमेंट के लिए डिफाइंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का मतलब है कि वो काम कौन कर रहा हो बच्चों, नॉन मेटल, बिकॉज नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, है ना। तो मेन रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जो है वो नॉन मेटल से डिफाइंड होगा, मेन रूप से मेनली एकदम, है ना। तो हम लोग इसका वेरिएशन भी देख सकते हैं ना, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट, तो देखिए एकदम ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट राइट जो है एटॉमिक साइज क्या करता है बच्चों, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, और टॉप टू बॉटम जो होता है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो बहुत सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इसके अंदर तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है बच्चों, तो ई एन डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो ई एन क्या होगा, टॉप टू बॉटम
डिक्रीज करेगा और लेफ्ट राइट जो है ईएन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। इसको एज ए थ्योरी हम लोग लिख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन को भी देख लिया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ेगा और किस तरीके से ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब हम लोग लेफ्ट राइट में पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। वही हम लोग जब टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी ग्रुप में, ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को अच्छे से समझ लिया है। होपफुली आप लोगों को इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा ये, है ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा भी जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू एटम्स। कहने का मतलब है कि कोई भी दो एटम जो है, ये कंपाउंड जो बना हुआ है, एक कंपाउंड खासकर हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारा डाइवेलेंट कंपाउंड है, डाई एटॉमिक कंपाउंड हम लोग कहते हैं, दो एटम वाला, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या कि हम लोग उस दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड हमारा होता कैसा है। तो अभी तक तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बॉन्ड हमारा मुख्य रूप से जो है दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, है ना। एक हमारा आयनिक होता है और दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट होता है। अब कोवैलेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पोलर कोवैलेंट और एक नॉन पोलर कोवैलेंट। तो मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को ये सारी बातें समझने में आसानी हो, समझेंगे। हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड किस तरह के एटम के बीच होता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, ठीक है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसको मेटल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, जिस कारण से दोनों मेटल और नॉन मेटल पे अपोजिट चार्ज फॉर्म करता है, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है और उस दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ऐसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इलेबोरेट में सारी बातों को पढ़ेंगे और विद एग्जांपल पढ़ेंगे। मैं बस यहाँ पर छोटा सा आप लोगों को ट्रेलर आयनिक बॉन्ड का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है बच्चों, मेटल और नॉन मेटल मैं बोल रहा हूँ, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल उससे मेटल द्वारा लॉस के इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो मेटल पे आया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो नॉन मेटल पे आया नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा उससे, जब अपोजिट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि एक मजबूत आकर्षण बल है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है ना, और उसी के द्वारा आयनिक
उसी के द्वारा जो है वो क्या होता है, मेटल और नॉनमेटल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वहां जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो सबसे सिंपल नॉनमेटल और नॉनमेटल के बीच म्यूचुअल शेयरिंग से म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नॉनमेटल और नॉनमेटल के बीच म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने दो तरीके से मैंने बोला, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर में क्या मतलब है, बड़ा ध्यान समझे बच्चों को, कहते हैं क्या कि नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर है मतलब सेम एटम्स मिलकर बना होगा N2 F2 Cl2 Br2 PtC। ठीक है ना, और अगर हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है तो दो अलग अलग एटम्स मिलकर बना होगा, दो अलग अलग एटम्स मिलकर बना होगा तो हमारा होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। इसका मतलब ये कंफर्म है बच्चों कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो वो क्लियर है कि नॉन मेटल ही होगा। हाँ, लेकिन नॉन मेटल और नॉन मेटल से के बीच जो बॉन्ड बनना है वो दो तरीके का, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर कब, जब दो अलग अलग नॉन मेटल्स होंगे, और नॉन पोलर कब, जब दो सेम नॉन मेटल्स होंगे, तो इस केस में नॉन पोलर। चलिए, इतनी बातें जो हम समझ चुके हैं तो अब आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग बारी बारी से इन सारी बातों को पढ़ते हैं। तो कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में नेचर ऑफ बॉन्ड को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए मैंने पहला बात क्या कहा है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज जीरो, अगर कोई दो एटम से मिलकर बना हुआ कोई कंपाउंड है और उसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है बच्चों, जीरो जीरो, देन द बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट, है ना। अब बहुत कॉमन सेंस है, बहुत आसान सी बात है, कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको समझने में आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़े। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो कब होगा बच्चों, कब होगा, बात को समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो कब होगा, जब दोनों का साइन एक जैसा हो, और दोनों एटम का साइन एक जैसा तभी होगा जब दोनों एटम एक जैसा हो। ठीक है, तो वही क्या मतलब है कि अगर कोई दो एटम है उसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है तो प्योरली क्या होगा, कोवेलेंट, है ना। नॉन मेटल मैंने जस्ट लिखा था पहले, बताया आपको क्लोरीन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है बच्चों वो 3.5 होता है, तो इसका भी 3.5 और इसका भी 3.5, दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा बच्चों, जीरो। ये जो Cl2 है, Cl2 जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज लेस देन 1.7, ठीक है ना, देन द बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट। ठीक है ना, क्या है पोलर कोवेलेंट, मतलब अगर हमारा कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है बच्चों, लेस देन 1.7, 1.7 से छोटा है, कम है, तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट मतलब दो अलग अलग नॉन मेटल से मिलकर बना कंपाउंड, क्लियर है। फिर मैं थर्ड में बोल रहा हूं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम इज इक्वल टू 1.7, देन द बॉन्ड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ क्या कि अगर कोई दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 है तो वहां जो बॉन्ड का जो नेचर होगा, उस दो एटम के बीच का जो बॉन्ड का नेचर होगा वो 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट, मतलब न ज्यादा कोवेलेंट और न ज्यादा आयनिक, एकदम 50-50, मतलब आधा कोवेलेंट नेचर का होगा और आधा क्या होगा बच्चों, आयनिक नेचर का होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन 0.7, अगर 0.7 से ज्यादा हो, then the bond is more ionic but less covalent। अगर 0.7 से ज्यादा होगा ना बच्चा भाई, अगर 0.7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो कंपाउंड होगा हमारा उसमें जो बॉन्ड्स होंगे, जो एटम के बीच जो बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा आयनिक और लेस कोवेलेंट, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टेंडेंसी बढ़ जाएगी,
और म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का जो म्यूचुअल शेयरिंग का जो टेंडेंसी होगा वो घटेगा। अब देखिए किसी भी गिवन कंपाउंड्स में, किसी भी गिवन कंपाउंड्स में हम लोग इजिली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, इजिली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 × Xa − Xb + 3.5 × Xa − Xb का होल स्क्वायर। यानी मतलब क्या है कि XA मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, XB मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B, है ना, प्लस 3.5 × Xa − Xb का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये A माइनस B का होल स्क्वायर, इसको हम डिसोसिएट कर देंगे फाइनली, और सब बाकी जो वैल्यू आएगा फाइनली जो है उसमें हम 3.5 से लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि XA का स्क्वायर प्लस XB का स्क्वायर माइनस 2XA × Xb, है ना, उसका जो वैल्यू आएगा उसमें 3.5 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी गिवन कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर का मतलब था कि बॉन्ड कितना परसेंट आयनिक है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इस बात पर हम लोग इजिली काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। बहुत सिंपल बात है, अब बहुत अच्छा बात है, ध्यान से समझिए इस बात को। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा दो एटम के बीच, है ना, बिटवीन बॉन्डेड एटम्स मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड, उतना ही स्टेबल क्या होगा बच्चों, बॉन्ड होगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को देते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस लिखे हुए चीज को मिटा देता हूँ, आप लोग मुझे एक चीज यहाँ पे एड हो गया था, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ जो है बच्चों ये जो वैल्यू होगा 1.7 है ना, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन 1.7, है ना, ग्रेटर देन 1.7, ठीक है ना, तो बॉन्ड होगा ज्यादा आयनिक होगा और लेस कोवैलेंट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इन सारी बातों को देख लिए हैं और इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले प्रिंट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बच्चों। चलिए हम लोग जो लास्ट जो हमारा पॉइंट था उसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं, HF, HCl, HBr और HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सबसे पहले इन सारे के बारे में बात करते हैं, और बात क्या करना है हमें पता करना है, और मैंने जो लास्ट पॉइंट आप लोगों को बताया था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा दो एटम के बीच उतना ही ज्यादा स्टेबल वो बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, उतना स्टेबल क्या होगा, बॉन्ड, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बॉन्ड स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ हमको ये सारे का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1 होता है ना, फ्लोरीन का जो है ना बच्चों फ्लोरीन का होता है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो 4 होता है, क्लोरीन का 3.0 है ना, 3 ही होता है, ब्रोमीन हमारा होगा तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होता है वो 2.8 है ना, और आयोडीन का जो वैल्यू होता है वो 2.1। चलिए तो हाइड्रोजन का हम लोग मालूम चल ही गया 2.1, क्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.1। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा ध्यान रखिए HF फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 यानी 2.1, तो 4 − 2.1 कितना जाएगा बच्चों 1.9 है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यहां क्या हो जाएगा बच्चों 3 − 2.1 दैट इज 0.9, HBr 2.8 − 2.1 मीन्स 0.7, और I अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2.5 − 2.1 कितना जाएगा 0.3, देख रहे हैं ना,
इसका 0.9 और ये इसका जो 1.9 इसका 0.9 इसका 0.7 इसका 0.3। तो सबसे पहला कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। मैंने कहा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा दो एटम के बीच वो उतना ही स्टेबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब हमको ये सुनना है क्यों, क्या चलिए सबसे ज्यादा हम लोग अगर बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम लोग बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो कहेंगे HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI, ठीक है। चलिए सबसे अब ये समझिए हम लोग कि क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड ये क्यों है। ध्यान समझे आप लोग, यहां फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, इसके बॉन्डेड पेयर को बहुत मजबूती से अपनी ओर खींचेगा, पकड़ के रखेगा बहुत मजबूती से, है ना। जब ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है ना, जनरली वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता करता है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी उसकी होती है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन इसके बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो जैसे तैसे नहीं खींचेगा, सबसे मजबूती से खींचेगा, बिकॉज फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसका जितना छोटा साइज वो किसी के बॉन्डेड पेयर को उतना ही आसानी से अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है। जितना आसानी से खींचेगा अपनी ओर उतना ही कस के पकड़े रहेगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, तो बॉन्ड जो होगा वहां पर क्या होगा, बहुत मजबूत होगा, ठीक है। अब देखिए HCl की बात करें, अब क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बात को समझिए, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का साइज थोड़ा सा कहा जाता है बड़ा, और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब ज्यादा क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक खींचने की टेंडेंसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब थोड़ी सी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा कम मजबूती से हाइड्रोजन के बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचेगा वो, तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम इसका मजबूत बॉन्ड होगा। तो हम लोग बात इसका कर लेते हैं HBr, तो HBr की हम लोग बात कर ले, तब क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का साइज है, एटॉमिक साइज है, इसका साइज और बड़ा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, है ना। तो और हम लोग क्या कहेंगे कि जितना अच्छे से इसको खींचना चाहिए था उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, बिकॉज इसका साइज बड़ा है। इस दोनों के कंपेयर में जितना अच्छे से ये दोनों खींच रहा है उतना अच्छे से ये नहीं खींचेगा, तो फिर नहीं खींचेगा, तो इसका मतलब कि और मजबूती से हाइड्रोजन के बॉन्डेड पेयर को नहीं पकड़े रहेगा, जब नहीं पकड़े रहेगा तो कहीं ना कहीं इसका बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और आई का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, है ना, आई का एटॉमिक साइज जो है क्या है, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत कम होगी। जब बहुत कम होगी तो हाइड्रोजन के बॉन्डेड पेयर को उतना अच्छे से वो अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, यानी जोर से अच्छे से पकड़े हुए नहीं रहेगा, जो अच्छे से पकड़े हुए नहीं रहेगा तो फिर उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कमेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कमेगा वैसे वैसे उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब उस दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड को ब्रेक करना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बिकॉज ज्यादा स्टेबल बॉन्ड तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल, कम स्टेबल बॉन्ड उस बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और बस हम लोग का एक दो लेक्चर और है, और हम लोग का ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।